गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन पीजी गर्ल्स कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम ले रहे हैं पहली क्लास है हमारी, और ये ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं श्री अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति द्वारा। तो ध्यान रखना, थोड़ा बहुत हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपके पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और आपके कैसे प्रतिशत इनक्रीज की जाए, परसेंटेज में कैसे अभूतपूर्व वृद्धि हो, इसके बारे में हम बहुत ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। तो आज केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तीन पेपर अपने होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल। तो थोड़ा सिलेबस डिस्कस हम कर लेते हैं। पाठ्यक्रम का डिस्कस हम करते हैं। आप बेसिकली ट्वेल्थ तक आपने जो अध्ययन किया था उसमें दो पेपर का एक कॉम्बिनेशन था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसमें तीसरा भी था फिजिकल, लेकिन आपको जो पढ़ाया गया वो दो पेपर के रूप में, कार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके तीन ब्रांचेस हो जाए केमिस्ट्री की। एक तो हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम अकार्बनिक रसायन विज्ञान बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स कार्बनिक रसायन विज्ञान। और तीसरा है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा पेपर, और भौतिक रसायन विज्ञान। इन तीनों ब्रांचेज को हम तीन पेपर में कोटा यूनिवर्सिटी कोटा ने डिवाइड कर रखा है सिलेबस में, और ये तीन ब्रांचें हमारे तीन पेपर हैं। तो टोटल नंबर आपका होगा सिलेबस में पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर सेकंड है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। हम कुल मिलाकर ये कहें कि तीन पेपर से मिला करके हमारी बीएससी की एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनी है। तीनों पेपर आपके 50-50 मार्क्स से होंगे, 50-50 अंक। ये कितने मार्क्स का है, मार्क का बेटे है 50 मार्क्स। ईच पेपर कंटेंस 50 मार्क्स, प्रत्येक पेपर 50 नंबर निर्धारित करता है, मैक्सिमम मार्क्स रखता है, और लास्ट एंड फाइनल आपका होता है एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आप दोगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका होता है, ट्वेल्थ में 30 मार्क्स का था, और यहाँ पर ये मार्क्स बढ़ के हो जाएंगे 75 मार्क्स। कुल मिलाकर आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, 225, मतलब 225 अंक। 225 अंकों में से आपको कितने नंबर प्राप्त करने हैं, ये आपकी मेहनत लगन पर डिपेंड करेगा। आप कितने ज़्यादा अंक प्राप्त करोगे ये आप पर निर्भर करेगा, आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। हमारा 100 में से 100% या उससे ज़्यादा भी योगदान जो होता है वो देने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। अब ये तो आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स।
अब जो पासिंग मार्क्स थे ईच, पासिंग मार्क्स कितने के हो जाएंगे अपने, मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स आपके टोटल करके तीनों पेपर का होगा 54। 54 अंक आपके पास होने के लिए अति आवश्यक हैं। अब ये 54 अंक आपके तीनों मिलाकर हैं। ऐसा है, आप यदि पहले पेपर को अच्छा करके आ गए, पहले पेपर में दिया 50 में से 50 नंबर ला रहे हो, और सपोज कीजिए आप सेकंड पेपर में एब्सेंट रह गए, तीसरे पेपर में भी आप एब्सेंट रह गए, तो आपकी 5 नंबर ग्रेस लग जाएगी, तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि टोटल करके 54 मार्क आपको लेने हैं। तीनों का जो टोटल है अंकों का, वो होना चाहिए पासिंग के लिए 54, 54 अंक होना चाहिए। और ये 54 अंक तो आपका नॉर्मल सबसे लो रेंज का है, उस पर पास हो रहे हो। और प्रैक्टिकल मार्क्स में कितने मिनिमम मार्क्स हैं, 27 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिनिमम। कम से कम मार्क्स 27 अंक आपको प्रैक्टिकल में अचीव करने हैं, प्राप्त करने हैं। तो ये कम से कम तो आपको 54 एंड 27, ये अंक आपको पास के लिए नेक्स्ट क्लासों में जाने के लिए एक बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, आपको इसको तो पार करना ही पड़ेगा, बैरियर है आपके लिए। कम से कम आपको अच्छी अध्ययन की रिक्वायरमेंट है, अच्छी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, अच्छी मेहनत आप करनी होगी, तब जाके आप स्कूल एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन की पहली क्लास में आप कदम रख रहे हो, तो वहाँ पर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान देना, ये पहली क्लास है आपकी, जिसे प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर भी कहते हैं, और फर्स्ट ईयर में आपकी कितने परसेंटेज बनती है उसी के आधार पर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिटर्मिनेशन करते हो, और उसी के आधार पर आप अग्रिम जो क्लासेज आने वाली है उनका एक बेस बनता है, एक आधार बनता है। यदि आप इस आधार को अच्छे से कर पाएंगे, फाउंडेशन को अच्छे से मजबूत कर पाएंगे, आपकी प्रथम कक्षा की नींव अच्छी मजबूत होगी, तो आप बेसिकली नेक्स्ट क्लासेजों में अच्छा योगदान कर पाएंगे अंकों के लिहाज से। चूँकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना नाम की भयंकर बीमारी चल रही है, इस बीमारी से बचते हुए अध्ययन किए जा रहे हैं, दूरस्थ कक्षाएं चल रही हैं, जिन्हें हम ऑनलाइन कक्षाएं भी कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखते हुए कि आपका भविष्य भी ख़राब ना हो, ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलतफहमी पाल रखी है कि लास्ट ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी थी, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में हम वैसे ही पहुंच गए, बिना एग्ज़ाम दिए पहुंच गए। लेकिन आप ये गलतफहमी ना पालें, क्योंकि एग्ज़ाम 2021 में होने की प्रबल संभावना है, आपको तो एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी, इसका कोई और तरीका नहीं है। और जो एग्ज़ाम देगा उसका ही स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ेगा, तो कोरोना से बचते रहें, उसी के साथ पढ़ाई भी आप करते रहें। तो ये ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, आप 2021 में आपको एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी, UGC गाइडलाइन के अनुसार 2021 में आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार रहें। ये नहीं है इस साल PSC पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए, और सेकंड ईयर के छात्र थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिए गए बिना एग्ज़ाम के, तो आप भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी BSc थर्ड ईयर की कक्षाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश विचाराधीन है कि उनको भी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो ये कोरोना बीमारी है, इसके कारण ये वैकल्पिक क्लासें चल रही हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए, मैं लेने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक पेपर, जिसे हम कार्बनिक रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो ये तो मैंने सिलेबस के बारे में, पेपर के बारे में थोड़ा बताया था, पेपर तीन होते हैं अपने, तीन पेपर का टोटल वेटेज 150 होता है थ्योरी में, और 75 होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, कुल मिलाकर आपके 225 अंक होते हैं।
और 225 अंक में आपके कितने अचीव कर पाएँ वो आपकी मेहनत और कौशलता पर निर्भर करेगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की थोड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के एग्ज़ाम स्कीम के बारे में और देख लेते थोड़ा सा। एग्ज़ाम स्कीम, क्योंकि आपने अब तक ट्वेल्थ का दिया पेपर, ट्वेल्थ में क्या होते हैं टोटल 30 क्वेश्चन होते थे और उसमें लास्ट क्वेश्चन में विकल्प रहते थे अथवा वाले, लेकिन यहाँ पर आपको ढेरों विकल्प मिलेंगे, बशर्ते आपको नंबर लूटने की कला आनी चाहिए, कितने नंबर आप लूट सकते हैं। तो एग्ज़ाम स्कीम में क्या होता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कोटा यूनिवर्सिटी ने पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पेपर केमिस्ट्री का जो पेपर होता है एग्ज़ाम पेपर, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। एक तो है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी, तीसरा है सेक्शन सी। इस तरह से आपका एक पेपर की प्रारूप है, पेपर का एक परफॉर्मा है, 3 सेक्शन में डिवाइड है। तो सेक्शन ए में आपके कुल क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा 1/2 मार्क्स, मतलब आधे अंकों का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सेक्शन ए का अंक वार है 5 अंक। कितना वेटेज है इसका, 5 अंक आपको सेक्शन ए से मिलेंगे। इसी तरह से आपको सेक्शन बी, सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन ई में, सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए करना होता है पेपर में, और एक को आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा आप कौन से क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से कर पाओगे, जिससे आपको फुल मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो ये सेक्शन बी में पर यूनिट 2 क्वेश्चंस, पर यूनिट 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पेपर में से, लेकिन उनमें से कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपकी पेपर में 5 यूनिट होती है, पेपर है 5 यूनिट्स ईच पेपर, प्रत्येक पेपर आपकी कितनी यूनिट में डिवाइड है, 5 इकाइयों में विभाजित है। तो प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 5 अंक का। तो 5 क्वेश्चन, 5 यूनिट से तो कुल अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल अंक भार यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन होगा 5 अंक का, 5 क्वेश्चन गुणा 5 अंक, तो ये हो जाएगा आपका 25 अंक, मतलब 25 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन बी। आप 2 क्वेश्चन में से एक कर लीजिए और एक को छोड़ दीजिए, तो आपके 25 अंक का क्वेश्चन हो जाएंगे।
टोटल करके 5, तो 5 इधर से 25 इधर से कितना हो गया 30 अंक। 30 अंक आपके यहाँ पर हो चुके हैं। और सेक्शन सी में देखें, सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 4। एनी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमें। तथा कोई 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, लीव करने हैं। और इस सेक्शन में से ईच क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो अंकवार कितना हो जाएगा, अंकवार यहाँ पर होगा 2 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन है और 10 अंक, तो कुल मिलाकर ये होगा 20 अंक। ये 25 अंक और ये 5 अंक। इस तरह से आपका पेपर का जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स या नंबर लाने का तरीका है वो कुल मिलाकर 50 अंकों में डिवाइड है। सेक्शन ए 5 अंक का है, कुल क्वेश्चन कितने हैं 10, 10 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन हाफ अंक का है, आधे नंबर का है, आपको ये पूरे क्वेश्चन करने होंगे और इसमें से 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। और सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपकी 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। तो ये 5 क्वेश्चन 5 अंक के होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है, तो 5 क्वेश्चन 25 अंक के हो जाएंगे। सेक्शन सी में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 4, 4 में से आपको एनी 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अच्छे लगें वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तथा कोई 2 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। तो कुल अंकवार कितना हो जाएगा यहाँ पर, कुल अंकवार हो जाएगा 2 क्वेश्चन का, ईच क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 20 अंक के। तो इस तरह से आपको पर पेपर 50 नंबर, पर पेपर 5 यूनिट और मैक्सिमम मार्क कितने हैं 50 मार्क्स। प्रत्येक पेपर डिवाइड है 5 यूनिट्स में और कितने अंकों में 50 अंकों में। अब ये आपके तरीके पर डिपेंड करेगा आप कितने नंबर किस तरह से प्राप्त करें, क्योंकि पढ़ाई और मेहनत तो सही बराबर करते हैं लेकिन अंकों में डिफर क्यों आता है इसका मैं एक और बता देता हूँ बात। आप ज़्यादा अंक वाले क्वेश्चन को, ज़्यादा भार वाले क्वेश्चन को ज़्यादा वरीयता दें तो आपको अंक ज़्यादा मिलेंगे, आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। यदि आप कम अंक वालों में ज़्यादा मेहनत लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपके साथ अंकों का लॉस्ट हो जाएगा और आपकी परसेंटेज भी गिर जाएगी। तो ये तो पेपर की बात हुई थी, अब हम ले लेते हैं पेपर एग्ज़ाम स्कीम बारे में बात कर ली, सिलेबस के बारे में बात करी, 3 पेपर में डिवाइड है हमारी सारी केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करें, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका द्वितीय पेपर होता है, सेकंड पेपर। और इसी इस पेपर में भी वही 5 यूनिट होंगी, 5 यूनिट डिवाइड होंगी पेपर में 3 सेक्शंस में, एग्जाम पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और 5 यूनिट में से आपको 50 अंक मिलेंगे,
वो आपकी मेहनत और कुशलता पर निर्भर करेगा, कितनी मेहनत आप करते हैं और कितना आपका आईक्यू है, उस आधार पर आपको ये अंक मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ऑर्गेनिक पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर की बात करें हम, फाइव यूनिट्स में डिवाइड है। तो हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है। यूनिट फर्स्ट में हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग है। यूनिट फर्स्ट डिवाइड है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं बंधन। इसके बाद ये डिवाइड होगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और इसमें लास्ट जो होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब अभिक्रिया मध्यवर्ती, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के मध्य में बनते हैं उन्हें अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। इन तीन के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। और कम से कम आपको एग्ज़ाम की तैयारी के साथ में बता देता हूँ, कोई भी आप इसमें दो टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, एनी टू टॉपिक अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको विकल्प मिल रहा है एक क्वेश्चन करने का, एक क्वेश्चन छोड़ने का। तो आप दो क्वेश्चन, आप दो टॉपिक आपके अच्छे हो गए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव है एक क्वेश्चन आप छोड़ना है करना है। सब अगर दो क्वेश्चन इधर से आ गए, एक क्वेश्चन में आ गया, एक क्वेश्चन में आ गया, तो आपको यह ऊपर वाला करना है या ये करना है। तो आपके लिए कोई भी दो टॉपिक इसमें अच्छे से कर लेंगे तो आपके पूरा 5 नंबर मिल जाएगा यूनिट का। प्रत्येक यूनिट होती है 10 नंबर की, एवरी यूनिट डिवाइड इन 10 मार्क्स। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर में डिवाइड है, 10 अंकों में विभाजित है। और ये यूनिट भी आपकी 10 अंक की है, यूनिट फर्स्ट, और ये यूनिट कितने की है, 10 अंक की। तो एवरी यूनिट, एवरी यूनिट हैव 10 मार्क्स। फाइव यूनिट है और प्रत्येक यूनिट कितने नंबर डिवाइड है, 5 पार्ट्स में है और 10 अंक हैं, तो कुल मिलाकर 50 अंक की ये पेपर हो जाता है। और यूनिट सेकंड की बात करें हम, यूनिट सेकंड की जो बारे में बात करें हम, यूनिट सेकंड है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, जो आपने 12th क्लास में थोड़ा बहुत इसका अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा पूरी एक यूनिट है। और ये स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रासायनिक यौगिकों की तीव्र रसायन विज्ञान, रासायन यौगिकों का तीव्र रसायन विज्ञान। हमने पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री में DL विन्यास है, EZ पद्धति है, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व हमने पढ़े थे 12वीं क्लासों में, वो हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार है। तो ये पूरा 10 नंबर की यूनिट है, जो 12वीं में आपका एक चैप्टर था लगभग 2-3 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा 10 नंबर का है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हम बात करें तो यूनिट थर्ड आपके
जो 11th क्लास में आपने मेहनत करी, पढ़ाई करी, वो यूनिट थर्ड वो ही है यहाँ पर। 11th क्लास में आपने एल्केन पढ़े, तो एल्केन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है यहाँ पर। एल्केन्स एंड एल्केन तो होगी ओपन चैन वाली, और एल्केन में दूसरा कौन से, साइक्लो एल्केन्स। एल्केन कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। एल्केन क्या होती है, ओपन चैन वाली होती है, और साइक्लो एल्केन में एक रिंग होती है, एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन या चक्रीय संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इन दोनों में क्या अध्ययन करेंगे हम, पहले तो इनके क्या कहें जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद प्रिपरेशन देखते हैं, इनकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन मेथड्स के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, और आफ्टर देन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग की नेचर देखनी पड़ती है। केमिकल बॉन्डिंग नेचर के बाद आप देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएँ, और आफ्टर रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस, इनके क्या उपयोग है, क्यों हमने इसकी स्टडी की, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है, सारी चीज़ें हमें सिलेबस में दी जा रही हैं। तो साइक्लो एल्केन और एल्केन का अध्ययन हम कौन सी यूनिट में करने वाले हैं, यूनिट थर्ड में हम करने वाले हैं। और यूनिट फोर में कौन आएंगे हमारे, एल्केन के बाद किसका नंबर आता है ध्यान देना, तीन लोगों के केमिस्ट्री मुख्य रूप से ऑर्गेनिक में, एल्केन एल्कीन और एक तीसरा कौन सा है, एल्काइन। तो तीसरी यूनिट में नाम दे दिया हमने, सिलेबस में कौन है तीसरी यूनिट में, सॉरी यूनिट फोर में, एल्कीन्स। तो एल्कीन है, एल्केन में कौन था, साइक्लो एल्केन, तो एल्कीन्स में कौन हो जाएगा, साइक्लो एल्कीन्स। एल्कीन और चक्रीय एल्कीन। और अगली बात करें हम, इसमें डाइइन्स हैं, कौन सी है इसमें, डाइइन्स, डाइइन्स, डाई का मतलब दो, इन का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड दो हों। हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितनी होनी चाहिए, दो नंबर, दो संख्या डबल बॉन्ड की हो, उन्हें हम डाई इन बोलेंगे। और अगला हो जाएगा लास्ट में इसी यूनिट में एल्काइन्स। तो आपको देखने में लग रहा है कि यह यूनिट थर्ड की तुलना में थोड़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है, डाई इन है, और एल्काइन्स भी यहाँ पर हैं। इसी क्रम में हम लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट फाइव। यूनिट फाइव में कौन आ जाएंगे, अब कौन बच रही है हमारे पास, हमने बेंजीन की चर्चा तो की नहीं अभी तक। बेंजीन किस में आता है, बेंजीन आता है एरोमेटिक प्रॉपर्टीज में। तो हम बात करेंगे एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरिन्स और इसी में है एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिकता। और इसके बाद इसमें कौन सा है, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, एक दो और यहाँ पर रख दिए यूनिट में, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड्स, ये यहाँ पर और हैं। तो कुल मिलाकर ये पेपर फाइव यूनिट्स में, फाइव कंटेंट्स यूनिट हैं, और पहली यूनिट है संरचना एवं बंधन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, क्रियात्मक इंटरमीडिएट या अभिक्रियात्मक मध्यवर्ती, स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन विज्ञान किसकी है, कार्बनिक यौगिकों की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स, एंड डाइइन्स एंड एल्काइन्स।
और एरीन, एरोमेटिसिटी, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, ये ऑर्गेनिक पेपर के यूनिटों का जो क्रम है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एक बात ध्यान रखना, आप जो भी बुक्स पढ़ें चाहे CBSE पढ़ें, चाहे पी भगचंदनी पढ़ें, चाहे रमेश बुक डिपो की पढ़ें, एनी बुक आप पढ़ें, उसमें यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें, क्योंकि बुक्स में सिलेबस से आउट भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। प्लीज़ उनमें आप अपना मेहनत या ध्यान न लगाएं, जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा निर्धारित कर रखा है उसी का आप आवेदन करें, जिससे आपकी प्रतिशत ज़्यादा बने। हमको पता लगे आपने जो पढ़ लिया है वो सिलेबस में नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। ध्यान रखना, आप अच्छा पढ़ें, श्रेष्ठ पढ़ें और अच्छे अंक लाएं। थैंक यू वेरी मच। कोरोना में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देखेंगे, मिलेंगे हम अगली कक्षा में। थैंक यू एवरीवन।